Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. आप लोग लगता है डिनर पे जा रहे हैं। जी नहीं, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं आसिया आंटी को देखने। हॉस्पिटल? खैरियत अंकल कहाँ हैं? Obviously वो उनके पास ही होंगे। क्या मतलब हॉस्पिटल में आंटी एडमिट हैं? अब हॉस्पिटल जाएंगे तो पता चलेगा। मैं परेशान हो रही थी कि आप अकेली होंगी। नहीं बेटा, अकेली किधर, मैं पहले रुस्तम आ गया था, उसके बाद सलमान आ गया। रुस्तम? हाँ रुस्तम। जब ताजा गुलाब है जलता। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, उन लोगों को कोई भरोसा नहीं है। मम्मी लेकिन मुझे है, अब वो लड़की ना कहीं नहीं जाने वाली। अरे तू सीधा है ना गदेड़ा है। आपका बेटा बहुत अकलमंद हो गया मम्मी। मम्मी मैंने एक बात सीखी थी एक लड़की से, अगर किसी लड़की को सही तरीके से काबू करना हो तो उसकी माँ को पहले काबू करो। पता है मुझे किसने सिखाई थी? बंटी ने सिखाया था मुझे। तेरे को बंटी याद आ रही है? मम्मी याद नहीं आ रही, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि मुझे आज एहसास हुआ है कि उसने ये ट्रिक आप पे और मुझ पे चला था। मुझे काबू करने के लिए उसने आपको पकड़ लिया, तभी तो आज तक आप बंटी की घंटी बजाती रहती है। ना बंटी की याद दिलाई है ना, अभी मैं थोड़ी देर ऐसा अफसोस में बैठूं। क्यों अफसोस किस बात का है, जिंदा है वो, मरी थोड़ी है वो। क्या हुआ, मैंने भी तो ख्वाब देखे थे बंटी को अपना बनाऊंगी। जब वो छोटी सी थी 5 साल की, वोकर पे घूमती थी ना, जब मैं उसको देख के सोचती थी अल्लाह ये बड़ी होएगी, मैं अपनी बहू बनाऊंगी। ख्वाब में आता तो मैं बोलती थी अल्लाह ये बड़ी होएगी ना, देखना इसको मैं झांझर पहना के इधर घुमाऊंगी, नचवाऊंगी मेरी बच्ची। तुम झांझरे पहनाओ उसको मम्मी, मैं चला ऑफिस। मैं पंजाबी फिल्मों का हिदायतकार हूँ, झांझरे पहना ऑफिस। बताओ मैं झांझरे पहनाऊं? मैं पंजाबी फिल्मों का डायरेक्टर है, मैं झांझरे पहनाऊं? ये नहीं भाई, इसकी जो मन्नत भूली थी मैं, ये किस्सा बच्चा हो गया मेरा, वही हो गया ना। देखिए बायोप्सी से पहले कुछ भी यकीन से नहीं कहा जा सकता। सर साहब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि होगा क्या, ये तो बड़ा नाजुक मरहला है डॉक्टर साहब, वो तो इंजेक्शन लगवाने पर राजी नहीं होती, ये टेस्ट करवाने पर कैसे राजी होगी? लेकिन ये कराना बहुत जरूरी होगा, आपके सामने तमाम मेडिसिन मिल चुकी हैं, टेस्ट भी सारे हो चुके हैं, लेकिन मरीज की कंप्लेन अभी भी अपनी जगह पर है। मम्मी को तो हॉस्पिटल फोबिया है, तो अभी से डिस्चार्ज होने के लिए शोर कर रही है। देखें जी ये फोबिया भी कभी कभी हकीकत बन जाता है, बहरहाल इनकी प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए हमें प्रॉपर डायग्नोसिस पे पहुंचना होगा। बात आपकी ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि होगा कैसे। बाबा मम्मी को तो बच्चों की तरह संभालना पड़ेगा। हाँ बेटा चलो अल्लाह खैर करे संभालेंगे। सिटी स्कैन का रिजल्ट आने में 2 से 3 दिन लगेंगे, आप जब तक इनको घर ले जा सकते हैं, और इनको स्ट्रेस से दूर रखना होगा और साथ साथ खुश भी रखना होगा। जो मैंने मेडिसिन लिखी है आप इनको रेगुलर दीजिएगा, अब इनकी प्रॉपर ट्रीटमेंट तो रिपोर्ट आने के बाद ही होगी। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू। रुस्तम बच्चे आजकल तेरा ध्यान काम पे नहीं है, 3-4 दिन से फाइल तेरी मेज पे पड़ी थी, आखिर गिरदेवी साहब मेरी मेज में फेंगे इस पे पेंडिंग की चिट लगा के। परसों बहुत अपसेट था एक्चुअली मैम। अब नहीं हूं, थैंक गॉड शहजादी के जिस्म से सारी सुइयां निकल गई हैं, बस आंखों की बाकी हैं।
तो आंखों की पहले निकालनी थी ना। आपसे मायूस नहीं, हार नहीं मानता, डिपेंड नहीं करता किसी पे। खैर कंग्रेचुलेशन बोलने की तैयारी कीजिए मुझे, बहुत करीब हूं मैं कामयाबी के। चलो भाई कंग्रेचुलेशन, चाय की टेबल तक ले आया क्या? नहीं अभी तो चांद पर रहती है वो। हाँ लेकिन उसकी माँ ने मेरे सर पे हाथ रखी है। वाह वाह बड़े मजे आ रहे हैं तेरे हैं? कुछ फोन करके बताएगी हमें जाना पड़ेगा दोबारा? थोड़ा वेट कर लेते हैं फिर तो आना जाना वगैरह है। क्या तावीज घोल के पिला दिया। अच्छा ना आप रहने दें, आप तैयारी कीजिए। भाई हमारी तो तैयारी तैयारी है, हैं? देखो ना हम तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया, तो दो कदम पीछे हट गए। अखलाकियात में तो कुछ ही होती है। अखलाकियात बहुत खूबसूरत लफ्ज है ना बाप से। ये हुनर बाप से सीख। जो मुस्कुराना नहीं जानता ना चाइना में उसको तिजारत की इजाजत नहीं मिलती। मुस्कुरा रहा आखिर सेठ पूना वाला का बेटा हूं। चल मुस्कुराना क्यों कर, ये ले जा काम। ये तो मरवाएगा मरवाएगा ये। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मंजिल कहाँ है? यही तो है। क्या मतलब? तो फिर आप गाड़ी में क्यों बैठ गए? मंजिल पर तो सफर खत्म हो जाता है। जिन लोगों के इरादे मजबूत होते हैं उनका सफर कभी खत्म नहीं होता, हमेशा मंजिल को पाने की जुस्तजू में रहते हैं। काफी फलसफाना बातें करती हैं आप। इतने गौर से क्यों देख रही हो? क्या हॉस्पिटल आके मेरी शक्ल बदल गई है? बस ऐसे ही, आप बहुत अच्छी लग रही हैं। आज तबीयत काफी बेहतर है, जहन भी काफी पुरसुकून है। बस बेटा तुम्हारी फिक्र लगी रहती है। मेरी फिक्र क्यों? लड़की की शादी सही उम्र में हो जाए वही अच्छा होता है। रुस्तम की वजह से एक बात मुझे ये अच्छी लगी, जो उसके दिल में होता है साफ कह देता है। तुम उसे अच्छी लगी हो, तुमसे वो शादी करना चाहता है। खुद ही सोचो जरा, लड़की के पीछे लगने की बजाय लड़की के माँ बाप को कायल करने की कोशिश कर रहा है। मम्मी आप यहाँ भी वही बातें करेंगी जो घर पे करती हैं? हॉस्पिटल में आके ज्यादा फिक्रें सताने लगती हैं बेटा। अब खुदा ना खास्ता देखो जरा, ऐसे बिस्तर पे पड़ गए तो क्या पता कहीं कुछ हो जाए तो तुम्हारा अच्छा बुरा कौन संभालेगा? सोच कोई इरादा बनाकर तो नहीं आती है, सोच पे किसका पहरा है? अच्छा प्लीज ज्यादा बुरा सोचने की जरूरत नहीं है, एक बार आप घर चली जाएंगी फिर सोचती रहना जो सोचना है। आप कुछ सफर के बारे में फरमा रही हैं? वो तो मैं कर चुकी। हाँ अब आप मुझे हॉस्पिटल ड्रॉप कर दें। हॉस्पिटल? खैरियत तो है, आप तो बिल्कुल ठीक लग रही हैं। ओफो मुझे आंटी से मिलने जाना है। ओह लेकिन हॉस्पिटल का टाइम तो खत्म होने वाला है, 15 मिनट रह गए। अच्छा
तो फिर आप मुझे जल्दी जल्दी हॉस्पिटल ड्रॉप कर दे, मैं 5 मिनट में आंटी से अच्छी अच्छी बातें कर लूंगी। तो फिर आप अच्छी अच्छी बातें मुझसे कर लीजिए, क्योंकि 10 मिनट में पहुंचना बहुत मुश्किल है। ये मेरी गाड़ी है, कोई हेलीकॉप्टर तो है नहीं। अच्छा हाँ, तो मैं आपका इशारा समझ गई। आप ये चाहते हैं कि मैं आपसे रोशनी की बातें करूं? वाह भाई, ये तो कमाल हो गया। अच्छा अब ये कमाल जमाल करना बंद करें और जल्दी मुझे ड्रॉप करें, वरना 15 मिनट यहीं गुजर जाएंगे। दीवार, इतनी मसरूफियात में से वक्त निकाल के आ गई हो, क्यों जहमत की? आसिया, मैं कैसे ना आती आपके पास? मैं बस यही दुआ कर रही हूँ कि आप हमेशा खुश रहें और आपकी सेहत जल्दी अच्छी हो जाए। मुझे तुम्हारी यही बात अच्छी लगती है, हर एक के लिए दुआएं जारी रहती हैं तुम्हारी जबान से। मेरे ख्याल में तो सबसे खूबसूरत तोहफा दुआ और मुस्कुराहट होती है। लेकिन पता नहीं क्यों लोग इन चीजों का बहुत ही कंजूसी से इस्तेमाल करते हैं, हालांकि इन पे कोई खर्चा भी नहीं होता। आंटी आप तो कमाल हैं, आपको पता है आपकी बातों से हमें हिम्मत मिलती है। बस मेरी कोशिश होती है कि मैं किसी के काम आ सकूं, और जिंदगी का मकसद ही क्या है। रुस्तम भी तुम्हारी तरह बहुत मजे मजे की बातें करता है। दोबारा आया था? अब तो रोज ही आएगा, इतनी मजेदार बातें करता है, मैं हैरान हूं वाकई वो इतना सीधा है। तुम थोड़ी देर पहले आती तो तुम्हारी भी मुलाकात हो जाती। इन बातों को छोड़िए आसिया, ये बताइए अब आप कैसे महसूस कर रही हैं? मेरे मत पूछो, इन लोगों ने तो मेरे बाजू छलनी कर दिए हैं। जब आते हैं या खून लेके जाते हैं या कोई और टेस्ट करते हैं या फिर सुइयां चुभोते हैं या फिर ऐसी दवाइयां बड़ी बड़ी खाने के लिए दे देते हैं। मामी आप ज्यादा मत बोलें, आप आराम करें अभी। आप बोले तो सही, आपको अंदाजा नहीं आपकी आवाज कितनी खूबसूरत है। देखो रुस्तम, ये हॉस्पिटल है, आप मुझे मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं। जब ताजा गुलाब है जलता। यस सर। रुस्तम से कहिए जो फाइल मैंने भी दी है फौरी तौर पर उसका जवाब ड्राफ्ट करे और ईमेल भी कर दे और हार्ड कॉपी भी भेज दे। आप भेजे सुने जरा कर दीजिए, आपको दिखा दे। लेकिन सर रुस्तम साहब तो जा चुके हैं। चला गया? जी सर। अच्छा ठीक है, थैंक यू। ये लगा तो ये भी जवान हो, ये भी इश्क किया है। हम भी जवान हुए थे, हमने भी इश्क किए थे, और एक नहीं दर्जनों किए थे। वो सबाउद्दीन की बीवी तो जब मेरी शादी हुई 3 बच्चों की मां हो चुकी थी, फिर भी मैंने कुलसुम को यकीन दिलाया कि आई लव यू। पहले तब तो काबिल भी थी आई लव यू कहने। अरे भाई ये तो अजीब है, समझ से बाहर है। इज्जत ही ना करवा दे, लड़की तो बहुत शरीफ ज़ादी, बहुत अच्छी लड़की है। मेल से बात नहीं बन रही है, फोन ही करना पड़ेगा। कहाँ
यहां रख दिया भाई। कहां रख दिया फोन भाई? ओहो, तुम तो बिल्कुल ही सटिया गए हो साहब। फोन तो रोशनी के पास है। कुछ लोगों को बाहिम्मत होने का तमगा पहले ही मिल जाता है। इंसान की सलाहियतों का पता क्राइसिस में चलता है। जिसकी माँ हॉस्पिटल में एडमिट हो, डरा देने वाली बातें कर रही हो, तो उस वक्त जहन काम नहीं करता। रोशनी सिर्फ आपका नाम नहीं बल्कि आप खुद रोशनी हैं। मैं डॉक्टर, पढ़ा भी है और नोट भी किया है कि पेशेंट पर दवा से ज्यादा उसकी उम्मीद ही वेल पावर होती है। सलमान जी, आप रुस्तम को रोके। मैं किस हिसाब से रोकूं? मेरा तो बनता ही नहीं है। आप उसको रोकें और ये बताएं कि डॉक्टर ने अंदर जाने से मना किया है, इसीलिए हम बाहर खड़े। ये सब कुछ आप कहिए ना। आप इतना सा काम नहीं कर सकते। ये काम नहीं, एक प्रोजेक्ट है। हाय, आप दोनों यहां पर हैं तो अंदर आंटी के पास कौन है? वो एक्चुअली आंटी आपका इंतजार कर रही थी। कह रही थी कि मेरा दिल कह रहा है कि रुस्तम जरूर आएगा। Really? Well, मैं चलता हूं, मैं जा ही रहा था। बाय। अब चलें? नहीं, डॉक्टर ने मना किया। अच्छा, चले यही वेट कर लेते। अरे भाई सलमान मियां, सलमान, सलमान मिर्जा साहब, आप? अरे आप वापस आ गई दफ्तर से? जी मैं घर आ गई। खैरियत तो है? मैं दरअसल सलमान से मिलने आया था। हॉस्पिटल से नमाज पढ़ने जा रहा था तो मोबाइल अपना रोशनी को दे दिया। मैंने कहा वापस पे ले लूंगा, भूल गया। बस फिर ये सोच रहा था कि आपको फोन कर देगा वो, तो आप लेती आइएगा वापस। मैं तो जल्दी आ गई मिर्जा साहब, लेकिन शायद सलमान वहां पे हो, क्योंकि उसने मुझे कहा था कि ऑफिस से निकलते हुए मैं हॉस्पिटल जाकर आंटी से जरूर मिलूंगा। मैं उसे फोन करके चेक करती हूँ, अगर सामान वहां पे है तो वो लेता आएगा। अच्छा चलिए, आप देख लीजिए, वरना फिर मैं ड्राइवर को भेज दूंगा। नहीं नहीं, जरा रुकिए, मैं पहले सलमान से बात कर लूं। बहुत शुक्रिया। हेलो। हेलो मामा। सलमान अभी तुम कहाँ हो? हॉस्पिटल गए थे? जी मामा, मैं बस अभी निकला हूँ वहां से। हॉस्पिटल से निकल गए हो? जी, क्यों खैरियत? बेटा वो तुम्हारे मिर्जा अंकल रोशनी को अपना मोबाइल देकर भूल गए, लेकिन अभी तुम निकल आए हो तो। नहीं मामा, मैं बस अभी निकला हूँ, मैं ले लेता हूँ जाके। देख लो बेटा, अगर तुम ज्यादा दूर नहीं हो तो ले आओ, वरना ड्राइवर को भेज देंगे। नहीं नहीं, मैं अभी पार्किंग में ही हूँ, मैं जाके ले लेता हूँ, परेशान मत। ओके बाय, खुदा हाफिज। मैं तो खुद वापस जाना चाह रहा था मामा। आज मैंने उसके साथ कुछ अच्छा नहीं किया, अजीब सी बेचैनी है। सलमान लेके आ रहा है। आ रहा है, चलिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चलूं। आप बैठ के चाय पीते? बस फिर करोगे? थैंक यू। सुने,
आप तो खुद भी डॉक्टर हैं, कुछ आइडिया तो होगा आपको कि आंटी के साथ हो क्या रहा है। मैं तो चाहती हूँ कि मम्मी आज ही ठीक हो जाए और आज ही मैं उन्हें घर ले जाऊं। हाँ, वैसे आंटी की रिपोर्ट क्या कह रही है, कोई सीरियस प्रॉब्लम तो नहीं है? मिस्टर रुस्तम, मेरा ख्याल है कि आपको अपने घर चले जाना चाहिए। जब तक आंटी यहाँ है मेरा घर तो। प्लीज डोंट माइंड, एक बात कहूं। आप बोले तो सही, आपको अंदाजा नहीं है आपकी आवाज कितनी खूबसूरत है। देखो रुस्तम, ये हॉस्पिटल है, आप मुझे मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं, बस इनफ। अब प्लीज आप यहां से चले जाएं। मैं अगर कुछ बोलती नहीं हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे आपका आना अच्छा लगता है। आपको कुछ एहसास भी है कि हम कितने बड़े मेंटली टॉर्चर से गुजर रहे हैं? आप प्लीज जाएं यहां से, प्लीज। तो इनकार आपकी अम्मा ने नहीं, आपने किया। मोहब्बत की कदर नहीं है, एहसास ही नहीं आपको कि मैं यहां आता क्यों। सर जा रहा हूं लेकिन फिर आऊंगा। वैसे गुस्से में बहुत खूबसूरत लगती हैं। सलाम कहिएगा आंटी को मेरा। आप तो चले गए थे ना? इतनी दूर नहीं गया था कि वापस ना आ सके। वेल, वो अंकल का सेल फोन आपके पास रह गया। ओ हाँ, लेकिन बाबा तो घर जा चुके हैं। जानता हूं, मैं भी घर ही जा रहा हूं। जब आप जानते थे कि बाबा घर जा चुके, आप फिर भी मुझे उसके साथ अकेला छोड़कर चले गए। अल्लाह हाफिज, आप आंटी के पास रुकिए। मैं इतना कमजोर तो नहीं हूं कि अपने कंट्रोल में ना रहूं। उस शख्स को देखकर मुझे क्या हो जाता है? मैं तुझे दिल से प्यार करता हूं, तू मुझे जिंदगी से प्यारा है। अंकल रियली, इस वक्त सिचुएशन ऐसी है कि अच्छा नहीं लगता। रोशनी को पसंद करते हो? शादी करना चाहते हो उससे? जब ताजा गुलाब है जलता। जब ताजा गुलाब है जलता। अजीब मोहताजी, यानी ये एक छोटा सा खिलौना जान का अजाब बन गया। और सोचे, ये जो जान का अजाब है ना, ये पूरी दुनिया अपने अंदर समा के हमारी जेब में आ जाती। भाई, इसकी बहुत सारी चीजें हमारी तो समझ में आती नहीं। अब हो सकता है ये हमारी उम्र का तकाजा हो। अरे छोड़ो अंकल, अभी आपकी उम्र ही क्या है? अरे मियां, सठियाने में बस चंद दकीके रह गए होंगे। अरे नहीं नहीं अंकल, अल्लाह आपको और आंटी को बहुत सेहत और आप लोग बहुत अच्छी जिंदगी गुजारें।
आमीन। अरे भाई यकीन जानो बेगम के बगैर ये घर काटने को दौड़ता है। हम तो बस दिन रात उनकी वापसी की दुआएं कर रहे हैं। इंशाल्लाह आंटी बहुत जल्दी अच्छी हो जाएंगी। चले मुझे इजाजत है, मैं चलता हूँ। अरे मियाँ एक कप चाय कॉफी तो हो जाए हैं? मैं कहता हूँ। अभी नहीं अंकल, जब आंटी घर आ जाएंगी ना तो आप दोनों के साथ चाय पियूंगा। चले अंकल, अल्लाह हाफिज़। अरे मियाँ बैठो, एक बहुत जरूरी बात तो रह गई। क्या भाई? वो रोशनी के सिलसिले में उस दिन तुम कुछ कहना चाह रहे थे ना, कुछ लोग आ गए और फिर बात बीच में रह गई। नहीं अंकल, फिर कभी बात करेंगे इस बारे में, अभी वक्त मुनासिब नहीं है। बेटा इससे बेहतर मौका और कौन सा हो सकता है? अंकल रियली इस वक्त सिचुएशन ऐसी है कि अच्छा नहीं लगता। रोशनी को पसंद करते हो? शादी करना चाहते हो उससे? एक्चुअली आंटी आपका इंतजार कर रही थी, कह रही थी कि मेरा दिल कह रहा है कि रुस्तम जरूर आएगा। वकील साहब को अंदाजा ही नहीं कि मैं रोशनी को हासिल करने के लिए हर लिमिट क्रॉस कर सकता हूं। तुम जानते हो रुस्तम का रिश्ता तुम्हारी मामा के तवस्सुस से आया था, तो तुमने पहले उनसे क्यों नहीं बात की? बात हुई थी मेरे मामा से। फिर बताता हूं अंकल। अब तो तुम्हें पता चल गया होगा कि मेरा अंदाजा गलत नहीं था। आसिया किसी शाही घराने के रिश्ते के इंतजार में है। तो मामा फिर एक काम करते हैं, हम दो मिलकर दुआ करते हैं कि आसिया आंटी को कोई प्रिंस दामाद मिल जाए। ये एक तरफा कार्रवाई है या रोशनी भी? अंकल असल में रोशनी इस तरह की है नहीं कि कोई इतनी आसानी से उसके साथ अपनी फीलिंग शेयर कर सके। बहुत खूब भाई, बहुत खूब। अरे हक में मेरी तरफ से एक वोट और कास्ट हो गया। बड़ी मजबूरी में अंग्रेजी के ये दो लफ्ज इस्तेमाल किए हैं, दरअसल ऐसा जेब बिल्कुल खाली लग रही है। खैर जिस तरह तुमने इस वक्त मेरी बेटी की इज्जत अफजाई की है उससे तुम्हारी इज्जत में बहुत इजाफा होगा। थैंक यू अंकल। वैसे तुम्हारी माँ की एहतियात और वफादारी ने मुझे बहुत मुतासर किया। कोई भी माँ अपने बच्चे को आग से खेलने की इजाजत नहीं दे सकती। औलाद का दिल टूट जाए तो मां की नींदें हराम हो जाए। ऐसा ही है। यानी अदीबा ने बेटे को बड़े दुख से बचाने के लिए छोटे दुख से समझौता करना सिखाया है या सिखाने की कोशिश की। हेलो ना मेरा बच्चा ना, तो तेरा उस वक्त कोई लव अफेयर तो चल नहीं रहा कि तू इस बात से डिप्रेशन में चला जाए कि उसने
आंखें फेर दी। ओह यार, come on, be sensible। मुझे यकीन है कि उसने ये सब कुछ उस वकील को सुनाने के लिए किया। चक्कर है उन दोनों का। सकता है वो दोनों जवान हैं, एक जगह रह सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। इसमें हैरत या परेशानी की क्या बात है? लेकिन रोशनी चक्कर चलाने वाली लड़की नहीं है। सीरियसली बॉस, मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ। देखिए, उस लड़की को तो फौरन रेंज से उतार दो, जिसका चक्कर कहीं और चल रहा हो, कोई और देखो। आप कोई फंसा रहा है उसे, वो ऐसी लड़की नहीं है। पर कैसे मान लूं है? सलमान की माँ ने तो तेरे रिश्ते की बात की थी वहां। उसको छोड़, कुछ और देख। नो वे बॉब्स, नॉट एट ऑल। वही चाहिए मुझे, बस वही। ओ मिया, न तू 4 साल का है, न टॉय शॉप में खड़ा है। एकदम गुस्से में आ गई, बस यू समझ ले जैसे गाली दी है उसने मुझे। डिक्टेशन दे रहा है उसे बॉब्स, और वो उसको फॉलो कर रही है। खुद ही दाल ला रहा है, खुद ही चावल ला रहा है, खुद ही खिचड़ी पका रहा है। एक बात सुन ले, किसी शरीफ और मोजज आदमी की लड़की के साथ मैं कोई तमाशा बनने नहीं दूंगा। और खबरदार, जो आइंदा इस मौजू पे मेरे साथ बात करी। चाहिए तो वही बात सोचे। 1000 लड़कियों को आई लव यू कह चुका हूं मैं। रोशनी उनमें कोई भी नहीं थी, सब ब्रेकिंग न्यूज थी। लोग आंखें खोलते हैं तो उनको रोशनी दिखती है, और मैं आंखें बंद करता हूं तो सिर्फ रोशनी दिखती है। तुम्हारी अखलाकी जरूरत हमें पसंद आई। वैसे भी रोशनी की मर्जी के बगैर हम उसके मुस्तकबिल का कोई फैसला करने का मजाज नहीं। वैसे भी ये उसका पैदाइशी हक है। अंकल, आप ही नहीं बल्कि मैं खुद भी उसका ये पैदाइशी हक तस्लीम करता हूं। बेगम सेहतियाब होकर घर आ जाएं, उसके बाद इस मामले को आगे बढ़ाते हैं। इंशाल्लाह आंटी बहुत जल्द आ जाएंगी। इंशाल्लाह। अरे तुम हमारे मुल्क के होनहार फर्जंद हो, और तुम जैसे लोगों की हमें कदर करनी चाहिए। थैंक यू सो मच अंकल। अब मुझे इजाजत दीजिए, काफी देर हो गई, फिर मिलते हैं। ओके, खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। को बायोप्सी के लिए लेकर गए हैं। दुआ करो कि उन्हें कुछ ना हो। हाथ से मेरा दिल घबरा रहा है। आखिर सिम्टम्स क्या थे कि बायोप्सी की नौबत आ गई? वॉमिटिंग और चक्कर किसी मेडिसिन से रुक ही नहीं रहे, और डॉक्टर को शक है कि बॉडी के किसी हिस्से में स्टमक के आसपास सिस्ट ग्रो कर रही है, इसी वजह से स्टमक इफेक्ट हो रहा है। ये तो इम्कानात हैं, कुछ कन्फर्म तो नहीं है। और मैं रोज तुम्हारे पास आने का सोचती हूँ, कभी ड्राइवर नहीं होता, कभी घर पर कोई नहीं होता। और कितनी मरतबा तुम्हारा सेल ट्राई किया, ऑफ था। हाँ, मम्मी के साथ होती हूँ ना, इसलिए फोन ऑफ कर देती हूँ, वरना कुछ कॉल इतनी जरूरी होती है कि बात करनी पड़ती है। तुमसे ज्यादा आंटी मेरी दोस्त है, मैं उनको बहुत मिस कर रही हूँ। और वो तुमसे प्यार भी बहुत करती है। तुमने रेस्ट नहीं किया होगा, घर जाके रेस्ट कर लो, मैं आंटी के पास रुक जाऊंगी। नहीं जिया, थैंक यू। अगर मैं घर चली गई तो भी रेस्ट नहीं कर सकूंगी, क्योंकि जहन तो मम्मी के पास ही लगा रहेगा। वो वैसे ही हॉस्पिटल के नाम से उतना चिढ़ती हैं, और बायोप्सी के बाद तो उनका जख्म और बढ़ जाएगा। मौज,
ये तो बहुत मुश्किल वक्त है। और ऐसे मुश्किल वक्त में कुछ ऐसे लोग हैं जो मुश्किलें और बढ़ाने आ जाते। लोग? कौन लोग? सलमान की बात कर रही हो तुम? वो जिया, ये पूरी दुनिया में सिर्फ एक सलमान ही है। तुम्हारे जहन में सलमान के अलावा कुछ और सोचता ही नहीं है। देखो रुस्तम, ये हॉस्पिटल, आप मुझे मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं, बस इनफ। अब प्लीज आप यहां से चले जाएं। मैं अगर कुछ बोलती नहीं हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे आपका आना अच्छा लगता है। आपको कुछ एहसास भी है कि हम कितने बड़े मेंटली टॉर्चर से गुजर रहे हैं? आप प्लीज जाएं यहां से, प्लीज। मम्मी, ये तो एक तरीके से बहुत अच्छा हो गया। ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा हमें। आप ना एंगेजमेंट की तैयारी करो। क्या हो गया? अभी तो घर पहुंचे हैं, जरा सांस तो लेने दे। देख, मेरे को पता है, तूने तेरे को बेटा बोली है ना, इसका मतलब है तू उसको कबूल है। मम्मी, आसिया आंटी मुझे कबूल नहीं करेंगी, रोशनी कबूल करेगी। मैं सिर्फ आंटी की खैरियत मालूम करने, वरना मुझे आपसे बात करने का कोई शौक नहीं। और वैसे भी आप में ऐसा क्या है कि जो बंदा आपसे बात करने के बहाने ढूंढे?